नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज नए संसद भवन का उद्घाटन संपन्न हुआ और देखने में यह आया कि सत्ता पक्ष अपना नाम, अपना छवि चमकाने के लिए मौके तलाशती है और विपक्ष उसमें विरोध तलाशती है। कुछ ऐसा ही नजारा दिख रहा था। दिल्ली पुलिस ने पूरी दिल्ली में अपने चाक चौबंद बिल्कुल दुरुस्त किया हुआ था, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, और महिला पहलवानों का जो जंतर मंतर पर आंदोलन था वह धीरे धीरे अब राजनीतिक रंग लेने लग गया है, राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित होने लग गया है। और जो ये उद्घाटन हुआ नए संसद भवन का, सत्ता पक्ष अपनी पीठ थपथपा रही है, गोदी मीडिया नए नए कसीदे जर रही है, तारीफ के पुल बांध रही है, उधर विपक्ष विरोध कर रही है। अब विपक्ष में सभी नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे नेता थे जैसे कि चिराग पासवान, ना एनडीए के हिस्सा है ना यूपीए के, लेकिन उन्होंने स्वागत किया। बहन मायावती जी ना मतलब विपक्ष में है, ना उन्होंने विरोध किया ना उन्होंने स्वागत किया, उन्होंने सीधे कह दिया कि हम किसी के साथ नहीं। सरकार ने संसद भवन बनाई है, सरकार का यह हक बनता है, इस तरह का ट्वीट करके अपना पल्ला झाड़ लिया। अब प्रश्न यह उठता है कि संसद भवन क्या केवल भवन है? इसमें विरोध करने वाले के बहुत सारे तर्क हैं और समर्थन करने वाले के भी बहुत सारे तर्क हैं, लेकिन अगर संसद भवन को केवल भवन मान लिया जाए, सरकार ने बनाया, तो क्या हम संविधान को भी एक नॉवेल मान ले? क्योंकि संविधान से पूरा देश चलता है, एक पवित्र ग्रंथ है जिससे पूरी शासन व्यवस्था चलती है, इसलिए संविधान को हम सैल्यूट करते हैं। तो संसद भवन जहां पर देश की जनता की समस्याओं के लिए कानून बनाए जाते हैं, जहां डिस्कशन होता है, पूरे देश के जनप्रतिनिधि इकट्ठा होते हैं, इनको हम एक सामान्य भवन या सरकार की उपलब्धि में नहीं गिना सकते, क्योंकि पूरी देश की धरोहर है जिसका आज उद्घाटन हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह, कांग्रेस एवं उनके साथ जो भी विपक्ष में है वो विरोध कर रहे थे, तो वो ये कह रहे थे कि राष्ट्रपति जी इनका उद्घाटन करते, और जो लोग समर्थन कर रहे थे उनका कहना यह हुआ कि जब राष्ट्रपति जी चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त यही विपक्ष जसवंत सिन्हा जी को खड़ा किया था, उस वक्त इनको दलित आदिवासी ये सब याद नहीं आया। जब आज राष्ट्रपति जी से उद्घाटन ना कराकर प्रधानमंत्री जी खुद उद्घाटन कर रहे हैं तो विपक्ष को दलित और आदिवासी याद आ रहा है। यह भी बात जायज है कि उस वक्त विपक्ष ने जसवंत सिन्हा जी को समर्थन किया था और विपक्ष ने ये राष्ट्रपति जी को विरोध किया था। हमारी जो केंद्र सरकार है यह टोनो टोटको की भी सरकार है, जैसा जैसा इनको ज्योतिष बताते हैं आने वाला समय खराब है, 2024 जो है बड़ा खराब बीतेगा, इस तरह के जो है भ्रमित किए जाते हैं, अंधविश्वास फैलाए जाते हैं, और केंद्र सरकार इसे मानती भी है। सुनने में तो यह भी आया है, बहुत सारे चुनावी जो रणनीतिकार हैं वो ये कह रहे हैं कि 2024 के मई में जो नियत समय है लोकसभा चुनाव का और नई सरकार बनने का, हो सकता है कि 6 माह पूर्व ही लोकसभा चुनाव हो जाए। जो देश के अन्य राज्यों के चुनाव हैं जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तो इस तरह के राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, हो सकता है केंद्र सरकार अपनी लोकसभा भंग करके और इन राज्यों के साथ ही लोकसभा का चुनाव करवा ले। इसमें भी कोई न कोई टोना टोटका होता है। और रही बात ये, आपको ये निकल कर आ जाएंगे कि 28 मई को ही संसद भवन का उद्घाटन क्यों? कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर ये ट्वीट करके कहने लग गए कि वीर सावरकर जी का जन्मदिन है, कुछ लोग कुछ और कहने लग गए। कहने का तात्पर्य यह, सोशल मीडिया पर अपनी अपनी तर्क वितर्क होता है, लेकिन 2024 के नियत समय से 6 माह पूर्व, जो कि पूर्ण बहुमत की सरकार है, अगर लोकसभा भंग करके सरकार चुनाव करवाती है 6 माह पूर्व, तो यह तो साबित हो जाता है कि सरकार टोने टोटके अथवा ज्योतिष के माध्यम से ही चल रही है।
तो अब प्रश्न यह उठता है कि जब 2000 के नोट जारी किए गए थे, जब नोटबंदी लाई गई थी, क्या उस वक्त भी ज्योतिष के कहने पर ही शुरू हुआ था? बहुत सारे गंभीर प्रश्न हैं। देश का जो ज्वलंत मुद्दा है, जो शुरू से चलता आया, SC ST OBC माइनॉरिटीज जो कहा जाता है, जो वंचित लोग हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, जो महिलाएं हैं, छात्र हैं, उनके ऊपर सरकार ध्यान देगी, कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी, जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि आएगा और जनता के लिए आवाज लगाएगा, क्या ऐसा आपको देखने को मिल रहा है? कहीं न कहीं से ऐसा लगता है कि अब जो है आम जनता नहीं बल्कि राजा के प्रजा का राज है। कहने का तात्पर्य है, ये प्रजा जो है अपने लिए राजा चुनती है और राजा जो डिसाइड करते हैं, जो फैसला करते हैं, आम जनता को सुनना पड़ता है, मानना पड़ता है। यहां तक लोग यह भी कह रहे हैं कि नए संसद भवन में कुछ स्तूप लगाए जाएंगे, कुछ मूर्तियां लगाई जाएगी और वह मूर्तियां ऐसी होगी जो लगा देगा तो उसकी सत्ता हमेशा के लिए कायम रहेगी। अब सत्ता हमेशा के लिए कायम रहेगी अथवा टेक्नोलॉजी के दम पर सत्ता कायम रहेगी, मैनेजमेंट के दम पर सत्ता कायम रहेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल विपक्ष बिखरा हुआ है, किसी भी मुद्दे पर एक जगह नहीं आ पाता, कोई न कोई, चाहे वो छोटा दल हो, बड़ा दल हो, विपक्ष से छिटक कर सत्ता पक्ष के समर्थन में आ जाती है। चाहे वो संसद भवन का उद्घाटन का मसला हो, राष्ट्रपति चुनाव का मसला हो, अथवा किसी प्रकार के मसले, सभी एक जगह नहीं आ पाते। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।